यहाँ पर आज देखने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर एनिवर्सरी में आए हैं, जो कि एक्टिवा की एनिवर्सरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव लुक में यहाँ पर एक नया मॉडल को लॉन्च कर दिया गया है, जो कि है आपका बहुत ही अच्छे फ्यूचर्स के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे अच्छे फ्यूचर हैं, जो कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग इसका फुल रिव्यू देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है SR सचिन SR को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको भी। तो फ्रेंड, यहाँ के फ्रंट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अट्रैक्टिव लुक बनाता है। यहाँ पर आपको मिलने वाला है ट्यूबलेस टायर, जो कि आपको MRF का टायर मिलने वाला है। ग्रिप क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी बेटर ग्रिप क्वालिटी है। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है कॉम्बो ब्रेक, जो कि बहुत ही अच्छा रोड पर परफॉर्मेंस मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों कॉम्बो ब्रेक मिलने वाली है, जो कि आपको यहाँ पर उपलब्ध है। और यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक देखने वाली है, आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर अलॉय व्हील जो है आपको नॉर्मल देखने को मिलने वाला है, अच्छे डिजाइनदार देखने को नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लुक बना रहा है, जो कि ब्लैक कलर में है। और यहाँ पर आप जो देख सकते हैं ये है आपका मैट ब्राउन कलर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक बनाता है। यहाँ से सबसे बढ़िया बात तो ये है, आपको ये देख सकते हैं ये आपको स्टील पे देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको गोल्डन कलर की दो स्ट्रिप देखने को मिलती है, जिसके साथ में ही आपको एक प्रीमियम लुक देने के लिए आपको यहाँ पर सिल्वर कलर की स्ट्रिप से एक लोगो को बनाया गया है। उसके ऊपर की बात करें तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया गया, जो कि कर्व शेप से बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसका जो कर्व शेप है ये काफ़ी डिजाइनदार लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक नंबर प्लेट लगाने के लिए एक माउंटर मिलता है, और यहाँ पर आपको एक लोगो मिलता है, जो कि 20 एनिवर्सरी का लोगो लगा हुआ है। ये काफ़ी प्रीमियम बनाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा स्टिकर देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको होंडा का लोगो देखने को मिलता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो इनकी जो हेडलैम्प है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक बनाती है। यहाँ पर दो वेरिएंट यूज़ किए गए हैं, जैसा कि आप अगर नॉर्मल हेडलैम्प लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, और LED हेडलैम्प लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एनालॉग मीटर देखने को मिलता है, जिसके साथ ये काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस क्रिएट होता है। डिजिटल मीटर आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपका फ्यूज गेज इंडिकेटर देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको स्पीडो मीटर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक बनाता है। इसमें बड़े अक्षरों से लिखा हुआ देखने को मिलता है। उसके बाद दोनों साइड इंडिकेटर बटन देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर चेक इंजन लाइट देखने को मिल जाएगी, और अपर डिपर देखने को मिल जाएगी। हैंडलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस मिलने वाला है। आप देख सकते हैं हैंडलिंग परफॉर्मेंस की बात करें, देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारा स्पेस भी देखने को मिलने वाला है। आप इधर से साइड से भी देख सकते हैं कि काफ़ी सारा स्पेस देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हैंडल में जो, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हैंडल में नए फीचर आए हैं वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है किल स्विच बटन, जो कि आप अपने जो इंजन है उसको बंद कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं, इसके बजाय आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ पर देखने को मिलता है हॉर्न बटन, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक में बनाई गई है। इंडिकेटर बटन, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक है। और यहाँ पर अपर डीपर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको मिल जाती है कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी अच्छी ये चाबी देखने को मिल जाएगी, जिसका लॉक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको पूरा इग्निशन ऑफ करना हो, ऑन करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। हैंडल लॉक करना होगा तो आप इस तरह से घुमा करके पूरा हैंडल लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बढ़िया बात दे रखी है, यहाँ पर आपको लॉक भी कर सकते हैं, इसको पूरा लॉक कर सकते हैं कि ताकि कोई भी चाबी यहाँ पर दोबारा डाल करके ना खोल ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर इसको खोलने के लिए आपको कुछ चाबी इस तरीके फंसानी होगी और इसको यूँ करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करने वाले हैं हम लोग साइड लुक की। तो साइड लुक में आप देख सकते हैं गोल्डन कलर से आपको एक्टिवा देखने को मिल जाएगा और सीची देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर भी कुछ अट्रैक्टिव लुक बनाया गया है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 110 CC का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल
इंजन देखने को मिल जाएगा जो कि होंडा का लोगो के साथ आता है और यहाँ पर ESP इंजन बेस्ड है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा बेटर परफॉर्मेंस मिलने वाला है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको यहाँ पर पैर रखने वाला फुटरेस्ट देखने को मिलता है ये भी काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस क्रिएट करने वाला है। और स्टैंड की बात करें तो आपको साइड स्टैंड लगवाना पड़ सकता है और जो बैक स्टैंड है वो आपको साथ में मिलता है। पीछे की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है, ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं और वही ग्रिप क्वालिटी MRF के टायर के साथ देखने को मिलती है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। तो अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसकी एक बार साउंड क्वालिटी सुनते हैं। सस्पेंशन, तो सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अट्रैक्टिव सस्पेंशन बनाए गए हैं। और यहाँ पर आपको सबसे पीछे सस्पेंशन देखने को मिलता है, ये एडजस्टेबल सस्पेंशन है। अगर आपकी गाड़ी अच्छे से नहीं वर्क कर रही तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर देखे हैं जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। और यहाँ पर ये जो एक्टिवा 6G एनिवर्सरी के साथ जो लॉन्च की गई है इसमें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर है, तो वो अभी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इंजन के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। इंजन परफॉर्मेंस की बात करते ही आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर तो फ्रेंड्स अभी हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपनी चाबी को ऑन कर लेते हैं। जैसे ही आप चाबी को ऑन करेंगे यहाँ पर देखेंगे कि आपको सेल्फ बटन तो दिया ही हुआ नहीं है। उसके बाद अपनी गाड़ी को कैसे ऑन करेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गाड़ी को कैसे ऑन करते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर जो आपका किल बटन है इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद अपने क्लच को दबाएंगे, जो कि लेफ्ट हैंड साइड वाला क्लच है उसको दबाएंगे और ये वाली जो बटन है इसको एक बार कस के पुश करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और जो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद की जो आवाज़ आती है वो भी आप सुन सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव आवाज़ आने वाली है। और इसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स। कैसी लगी आपको ये जो स्कूटर जो कि आपकी एनिवर्सरी पे लॉन्च की गई है? अगर आपको इसको परचेज़ करना है तो आप अपने नियर बाई होंडा के शोरूम जा कर के वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं और ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए तो आप वहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये कमेंट बॉक्स में बताइए और परचेज़ करना हो तो प्लीज़ यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। और आपको सबसे अच्छी बात जो मैं बताने वाला हूँ, यहाँ की लोकेशन भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आपको और भी अट्रैक्टिव वीडियोस देखनी है तो मेरे आई बटन में देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको कस के प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।